लाइव टीवी एस प्लस द नंबर वन न्यूज चैनल। यूपी के गोंडा जिले में कटरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडा फोड़कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बलरामपुर जिले के उतरौला थाने में लगभग दो साल पहले तैनात रहे तेज तर्रार थाना प्रभारी संतोष सिंह उतरौला में जब तक तैनात रहे चर्चा का विषय बने रहे, क्योंकि उतरौला में जब तक रहे अपराधियों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपराधी संतोष सिंह का नाम सुनकर कांपते थे। अब संतोष सिंह को गोंडा जनपद के कटरा थाने की तैनाती हुई है, उसके बाद से ही अपराधियों की कमर तोड़ने की शुरुआत कर दी है। गोंडा के कटरा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडा फोड़ किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चार निर्मित अवैध असलाह, छह अर्धनिर्मित असलाह व असलहे बनाने के उपकरण को बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही में जुटी है। जिले की कटरा बाजार पुलिस को अवैध असलाह बनाकर बेचने मुखबिर की मिली सूचना पर पुलिस ने पथहलिया बाबा स्थान के पास स्थित बाग में अवैध असलाह की बनाने व बेचने को सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने पूछताछ में बताया कि काफी दिनों से अवैध असलाह बनाकर बेचता था। पुलिस ने एक आरोपी अली अहमद को गिरफ्तार कर पुलिस विधिक कार्यवाही में जुट गई है। सर, एक असलाह फैक्ट्री पकड़ी गई है, सर क्या कार्रवाई है? थाना कटरा बाजार में एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है और एक अभियुक्त जिसका नाम अली अहमद है, इसको अरेस्ट किया हुआ है। शस्त्र बनाने के तमाम उपकरण बरामद हुए हैं। ये अपने गांव के पास एक बाग में, नारायणपुर कला है जो थाना कटरा बाजार में है, उसमें बाग में ये जो है ये शस्त्र बनाता था। और ये चार बने हुए तमंचे और छह अधबने तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस और खोखे इसके पास से बरामद हुए हैं और सभी पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से पूर्वांचल प्रभारी सुरेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।